सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरसी एडिटिंग क्लब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की बर्थडे फोटो एडिटिंग। अगर आप लोग भी इस तरह का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड एंड PNG का यूज़ हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इजली डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एड फोटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को एक टेक्स्ट का PNG मिलेगा, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद इसका ओपेसिटी जो है उसको 85 रख लेना है। 85 रखने के बाद स्टिकर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करके वाइट लाइट सर्च कर लेना है। वाइट लाइट सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सेकंड वाले लाइट को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है और इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद बीच में अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है और इसका ओपेसिटी है 65 रख लेना है। 65 रखने के बाद डन कर लेना है। डन करने के बाद ऐड फोटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को मॉडल फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ऐड फोटो में फिर से क्लिक करके एक टेक्स्ट PNG और मिलेगा, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नीचे साइड अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और उसका ओपेसिटी है 65 रख लेना है। 65 रखने के बाद डन कर लेना है और देख सकते हैं गाइस एडिट हो चुका है। तो सेव वाले आइकन में क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद Lightroom एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद जो भी फ़ोटो सेव किया उसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फ़ोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। कंट्रास्ट को माइनस करना है। हाईलाइट को भी हल्का सा माइनस करना है। शेडो को भी हल्का सा माइनस कर लेना है। वाइट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है और ब्लैक को भी हल्का सा माइनस कर लेना है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद टेम्परेचर को हल्का सा माइनस करना है। टिंट को हल्का सा इंक्रीज करना है। वाइब्रेंस को भी इंक्रीज करना है और सेचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद मिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हल्का सा माइनस करना है और ल्यूमिनेंस को हल्का सा प्लस करना है। उसके बाद येलो कलर में जाना है और फुली माइनस सेचुरेशन को कर देना है और ग्रीन का भी सेचुरेशन फुली माइनस कर लेना है। उसके बाद ब्लू कलर में जाना है, उसमें ह्यू को हल्का सा इंक्रीज करना है, सेचुरेशन को हल्का सा माइनस करना है और ल्यूमिनेंस को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है और टेक्सचर और क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है हल्का सा। उसके बाद इग्नेट वाले ऑप्शन में जाकर अमाउंट को हल्का सा माइनस कर देना है। उसके बाद डिटेल वाले ऑप्शन में जाना है और अमाउंट को इंक्रीज कर देना है। तो देख सकते हैं गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितने अच्छी तरीके से एडिट हो चुका है। तो शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।